वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, दैट इज फॉर एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस को जो कि इंपॉर्टेंट है, और अभी ये रिसेंटली बिहार PSC का एग्ज़ाम हुआ है, BPSC TRE टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के नाम से। उसमें जो आए हुए क्वेश्चन हैं आपके रीजनिंग वाले, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो का तीसरा सीरीज का तीसरा वीडियो है, जिसके पहले और सेकेंड दूसरे पार्ट में जनरल साइंस और बायोलॉजी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरे पेपर में जो जो भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आए होंगे उनको सॉल्व हम लोग करेंगे यहाँ पे, और रिलेवेंट लगाएंगे, देखेंगे कि किस तरीके से आपका जो रीजनिंग का पेपर आने वाला है आपके 3 सितंबर वाले एग्ज़ाम में, उससे उसके लिए ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है। अगर अभी बेसिकली एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर नेक्स्ट संडे को आपका एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो बेसिकली आपके लिए है। बने रहिए आप इस वीडियो में, और होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, इफ़ द वर्ड हाइट इज कोडेड एज 9610 8921 एंड इज कोडेड एज 13161620 6, देन द कोड फॉर द मोबाइल इन द सेम लैंग्वेज इज। तो ये कोडिंग डिकोडिंग आपका रीजनिंग पढ़ा चुका हूँ, उससे वाला से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनके नंबर और उनका जो सीक्वेंस है वो याद आपको होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, सर आपका अल्फ़ाबेट दैट इज ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इनको नंबरिंग भी कर लेते हैं ताकि आपके जो न्यूमेरिक्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने के लिए। तो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। सो आपको यहाँ पे देखना होगा कि इन अल्फ़ाबेट्स और उनके नंबर पे क्या रिलेशन यहाँ पे बैठ रहा है। यहाँ पे आप देखिए, तो H का अगर हम लोग पोजिशन से यहाँ पे देखें तो H किस पे आ रहा है, 8 पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 8+1 कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। ऐसे ही E आप देखिए, तो E किस पे आ रहा है, दैट इज़ द 5 पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ। तो 5+1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 6 आ जाएगा। ऐसे ही I कितने आ रहा है, दैट इज़ द 9 पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। तो 9+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज़ अ 10 हो जाएगा। और इसके बाद फिर जी लिखा हुआ है, तो जी किस पे है आपका, 7 पे है, तो 7+1 कितना हो जाएगा, दैट इज़ द 8 हो जाएगा, 7+1 इज इक्वल टू 8। सो मतलब जो भी नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है उनमें उनका जो पोजिशन है उनकी पोजिशन से +1 आपको कर देना है। ऐसे आप यहाँ पे देखिए, इसके लिए L है, तो L के लिए आपका जो नंबर कितना है, 12 है, और 12 अगर 12 आप एक ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। O के लिए कितना है आपका, दैट इज 15 है, तो ये 16 हो जाएगा, 16 दो बार दे रखा है। तो उसके ही मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो भी आपके ये लेटर्स हैं, इन लेटर का जो एक्चुअल पोजीशन है उसमें +1 का क्या है कॉन्सेप्ट है। तो आप उस हिसाब से देखिए, एम का कितना नंबर है, दैट इज़ द 13 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। फिर इसके बाद O है, तो O का कितना है, 15+1 इज इक्वल टू 16। फिर इसके बाद क्या है आपका, यहाँ पे B है, तो B का 2 है, तो 2+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो 2+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। फिर क्या है, I है, I के लिए क्या है, 9, तो 9+1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10। फिर इसके बाद क्या है, L है, L के लिए क्या आएगा, 12, तो 12+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13। फिर इसके बाद क्या है, E है, E के लिए क्या आएगा आपका, 5+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 6। तो ये नंबर आपका आना चाहिए, 14, 16, 3, 10, 13, 6।
यहाँ पे है देखिए 14 16, 14 16, 3 10, 3 10, 13 6, 13 6, पहला वाला ही आपका जो ऑप्शन है वो क्या है आपका सही है। तो ये वाला सीक्वेंस आपको यहाँ पे आप पूरा उसको लिख दीजिए, पहले क्या है आपका 1 4 है, फिर इसके बाद आपका 1 6 है, फिर इसके बाद आपका 3 है, फिर इसके बाद आपका 1 0 है, फिर इसके बाद आपका 1 3 है, फिर इसके बाद ये 6 है, 14 यहाँ पे भी आपको 14, फिर 16, फिर यहाँ पे भी आपका 16, फिर यहाँ पे 31, यहाँ पे भी आपका 31, फिर इसके बाद 01, इसके बाद आपका यहाँ पे 01, फिर इसके बाद 36। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आपका सही है। इस वाले क्वेश्चन में अप्रोच क्या था, इसको कोडिंग एंड डिकोडिंग का प्रॉब्लम ये बोलते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे जनरली 2-3 कॉन्सेप्ट है, आपको अल्फ़ाबेट्स लिखने होते हैं। कभी कभी होता क्या है कि जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स दे रखे होते हैं उनमें प्लस 1 का रिलेशन होता है, प्लस 2 का रिलेशन होता है, माइनस 1 का होता है, माइनस 2 का होता है, अल्टरनेट भी चलते हैं। मान लीजिए फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में जो होगा आपका प्लस 1 का चलेगा, सेकंड एंड फोर्थ वाले में क्या होगा प्लस 2 का चलेगा, इस तरीके से भी चलता है। तो ऐसे कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और पक्का आएगा, और ऐसे आपको यहाँ पे लॉजिक लगा करके देखना पड़ेगा। पहले समझना होगा आपको कि ये जो यहाँ पे लेटर्स दे रखे हैं उनके पोजिशंस में क्या रिलेशन है। कभी कभी ऐसे सपोज कीजिए यहाँ पे ये लेटर आपको दे रखा है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो इसका फर्स्ट टर्म है इसमें और इसमें अलग रिलेशन होता है, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म रिलेशन अलग होता है, फिर ऐसे यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, तो इसके हिसाब से आपको भी देखना पड़ेगा। तो कुछ कुछ ऐसे इसके लिए रूल्स हैं, मैंने कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व होता रहेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है हिंदी में भी फिर उससे वही है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक और भी है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर लॉजिकल लॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको लॉजिकल ऑर्डर में देना है कि क्या इसके लिए सही है। तो एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि सबसे पहले जो आएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, जूनियर होते हैं, फिर इसके बाद आपके एसोसिएट होते हैं, फिर इसके बाद आपके प्रोफेसर होते हैं। इनका अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका क्या होगा, दैट इज 3 हो जाएगा, सॉरी 2 के बाद फिर 1 होगा, फिर इसके बाद आपका क्या होगा 3 होगा, 2 1 3, कहीं आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। वही क्वेश्चन सबके हिंदी में दे रखे हैं। ओके, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो। यहाँ पे आपको दे रखा है 3 8 13 21 31 42, इसमें से पूछ रखा है कि इस पूरे सीरीज में रॉन्ग जो नंबर है उसको आपको देखना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपको समझ आएगा, ये भी ऑड नंबर है, 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 ये भी ऑड नंबर, सिर्फ अकेला 8 ऐसा है जो कि क्या है इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब हो गया ये सीरीज में सूट नहीं बैठ रहा, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पे दे रखा है फाइंड द रॉन्ग नंबर फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। यहाँ से आपको देखना है कि इसमें से कौन सा आपका पूरे वर्ड में कौन सा नंबर गलत है, पैटर्न में क्या चल रहा है पहले आपको ये देखना पड़ेगा। तो पहले हम ऐसे वर्टिकल में देख लेते हैं, यहाँ पर 2 है, 6 है, 18 है और 54 है, तो 2 3 6, 6 3 18। तो यहाँ पे जो आपका इसमें रिलेशन है वो कितना है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई है, वैसे ही इसमें कितना का मल्टीप्लाई है, 3 का मल्टीप्लाई, 2 3 6 6 3 18 एंड 18 3 54, तो मतलब 3 का मल्टीप्लाई वो करना है। ऐसे यहाँ पे 4 3 12 12 3 36 36 108, 1 3 3 और 3 3 9 3 9 3 27, तो 5 3 15 15 3 45, 45 3 कितना हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसका 3 का, तो 5 3 15 और 5 3 4 12 1 13, 135 होना चाहिए जो कि यहाँ पे 100 दे रखा है। तो मतलब ऑप्शन ये वाला जो डेट्स है वो क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है ब्लड रिलेशन वाले से, मदन्स ब्रदर अंकल इज करण फादर्स ब्रदर, राइट। यहाँ पे आपको ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी मैं कराया हुआ हूँ और होपफुली कि आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस भी किया हुआ होगा। यहाँ पे दे रखा है कि मदन्स ब्रदर, मतलब कि मदन का जो भाई, भाई के अंकल हैं, इज अंकल, अंकल जो है करण फादर ब्रदर, करण के फादर के भाई हैं,
मतलब कि सिंपल ये पूछ रहा है कि मदन मदन के जो ब्रदर हैं, मतलब मान लीजिए कि मदन है, इसका कोई ब्रदर है, इनके जो अंकिल है, अंकल इज करण्स फादर। तो करण मान लीजिए यहाँ पे कोई एक लड़का है, इनके फादर जो हैं, इसके फादर और इसके ब्रदर, मतलब इस इनके अंकल, ये दोनों आपस में क्या है, भाई भाई हैं, राइट। मतलब कि ये मान लीजिए ब्रदर है मदन का, और मदर के जो अंकल है, मतलब ये यू मीन्स अंकल हैं, करण के फादर हैं, राइट। तो ये पूछ रहा, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, आपस में ये दोनों क्या हो गए, भाई हो गए। ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, भाई होंगे। तो पूछ रहा है कि व्हाट कैन बी द रिलेशन बिटवीन द मदन एंड करण। तो मदन और करण रिलेशन क्या होगा, ब्रदर का होगा, मदन इज करण्स ब्रदर, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसके लिए सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द मिसिंग लेटर्स इन द सीरीज गिवन बिलो। फिर से आपको वो लेटर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, और जिसके बेसिस पे यहाँ पे आपको दे रखा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे इस तरीके से जो सीक्वेंस चल रहा है वो क्या चल रहा है, तो ये वाला जो मैंने यहाँ पे आपको बनाया था उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप उसको कर पाएंगे। लाइक एज यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पे वाई दे रखा, फिर टी दे रखा है, राइट। तो वाई कहाँ पे आ रहा है भैया, वाई यहाँ पे है, वाई के 1 2 3 4, चार गए के बाद पांचवा नंबर पे आ रहा है टी। तो क्या इसके पांचवें नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4, चार के बाद पांचवें नंबर पे ये आ रहा है। इसका मतलब इसका पांचवा नंबर क्या होगा, तो 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ पे आपका लेटर क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए, राइट। और जे का फिर पांचवा लेटर क्या होगा, 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहाँ पे ई आना चाहिए। तो जे ई क्या होगा, इसका आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे आपको दे क्या रखा है, ये वाई टी ओ दे रखा है, इनमें रिलेशन यही आ रहा है कि जो पहला लेटर है उसमें और इसमें -5 का रिलेशन है, राइट। मतलब इससे पांच पीछे का है, तो फिर इससे पांच पीछे का ये होगा, इससे पांच पीछे का ये होगा, और इससे पांच पीछे इसका क्या होगा, ये होगा। तो -5 का यहाँ पे क्या है, रिलेशन है इनके पोजिशंस को लेकर के, जो आपके ये वर्ड्स हैं, इनके वर्ड्स का जो रिलेशन है आप देख रहे हैं, बैकवर्ड में जा रहा है ये। तो वाई से 5, मतलब 1 2 3 4 5 आपका टी आया, टी यहाँ पे दे रखा है। टी से 5th नंबर पे क्या आ रहा है, पीछे ओ आ रहा है, ओ से 5th नंबर पे क्या आ रहा है, आपका जे आ रहा है, जे से 5th नंबर पे क्या आ रहा है, आपका ई आ रहा है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। वेरी गुड। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर गिवेन बिलो। यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखा है, पूछा है कि कितने ट्राइंगल्स इस फिगर में दिख रहे हैं। तो पहला ट्राइंगल्स तो पूरा का पूरा आपका ये एरिया जो है यही हो जाएगा, मतलब एक ट्राइंगल आपका ये पूरा ये हो गया, एक हो गया। दूसरा आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हो गया दूसरा। तीसरा आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हो गया तीसरा। चौथा आपका यहाँ से ये हो गया। पांचवा आपका यहाँ से लेकर के ये हो गया। छठवां आपका यहाँ से लेकर के ये हो गया। सातवां यहाँ से लेकर के ये हो गया, राइट। आठवां पूरा यहाँ से लेकर के ये हो गया। नौवां पूरा यहाँ से लेकर के ये हो गया। दसवां पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ से ये हो गया। 11वां पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये हो गया। और 11 यहाँ पे हो गए, एक सेकेंड। और आपका क्या बच जा रहा है, 11 के बाद आपका यहाँ पे एक ये बच जा रहा है 12। इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सही, दैट इज 13। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आशा वॉक 3 किलोमीटर साउथ।
तो पहले इसके लिए आपको ये बनाना पड़ेगा, जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपका नॉर्थ है और ये आपका क्या है, साउथ है, ये क्या है आपका ईस्ट है और ये क्या है आपका वेस्ट है। वो बोला ही आसा वॉक 3 किलोमीटर साउथ वर्ड, मतलब कि 3 किलोमीटर इधर की तरफ आती है, 3 किलोमीटर राइट, एंड देन टर्न राइट। अगर ये इधर की तरफ आ रहा है तो इसका राइट क्या होगा आपका, इस साइड में होगा, ये इसका राइट होगा, ये इसका क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट राइट में टर्न हुआ, इसका मतलब डायरेक्शन आपका कहाँ हो गया, इस तरफ हो गया। तो कितना चला है, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर कहाँ पे चला, यहाँ की तरफ चला। फिर इसके बाद बोल रहा है कि सी अगेन टर्न राइट। अब इसका राइट फिर से कौन होगा, इधर की तरफ, मतलब ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, तो ये ऐसे मुड़ गया, मतलब इधर तरफ डायरेक्शन हो गया। अभी फिर से 3 किलोमीटर यहाँ पे चला है राइट, एंड देन टर्न टूवर्ड्स हर लेफ्ट। फिर इसके बाद यहाँ से जाने के बाद फिर से क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो इसका लेफ्ट क्या होगा, ये वाला होगा, मतलब डायरेक्शन का क्या हो गया, इधर की तरफ हो गया राइट। लेफ्ट एंड स्टार्ट वॉकिंग इन स्ट्रेट। अभी ऐसे इधर की तरफ क्या कर रहा है, जा रही है। इन विच डायरेक्शन सी इज वॉकिंग, तो ये क्या है आपका वेस्ट एरिया, दैट इज द बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे आप उसको करते जाइए। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज बिलो, इसमें से कौन सा नंबर आपका सीरीज का गलत है, ये आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है राइट। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे ऑर्डर हैं और किस तरीके का ऑर्डर सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो हो रही है। अगर इन दोनों नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमारा तीसरा नंबर आ जाता है। देखिए यहाँ पे 8 4 12, 8 2 1 2 10 1 11। अब अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 4 2 6 आ गया यहाँ पे, 1 8 और 1 9 और 1, ये भी आ गया। तो अगर इन दोनों को जोड़ने पर ये आया है और इन दोनों को जोड़ने पर ये आया है, तो इन दोनों को जोड़ने पर आपका ये आना चाहिए। तो 6 2 8 और 9 1 10, 2 1 3, ये भी आ गया। तो इन दोनों को जोड़ने पर आपका ये आ जाना चाहिए। तो 8 6 14 आया, 3 9 और 1 10, ये भी आया, 3 1 4 5, ये भी आया। तो अब इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका ये आ जाना चाहिए। तो 8 4 12 और यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 7 1 8 नहीं, फिर 8 3 11, ओके। इसका मतलब कि ये वाला जो नंबर है वो गलत है, कौन सा, दिस वन, इनके जोड़ने पर ये नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, इन सर्टेन कोड 256 मीन्स यू आर गुड, सो यू आर गुड, मतलब 256, 637 मीन्स यू आर बैड, यू आर बैड। इसके लिए 6 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 7 है। विच आर द फॉलोइंग डिजिट रिप्रेजेंट द एंड इन दैट कोड, नहीं, 358 मीन्स गुड एंड बैड, गुड एंड बैड, 358। तो एंड के लिए पूछा है, तो एंड के लिए क्या होगा भैया, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। ये बड़ा ही प्यारा सा सवाल दिख रहा है, इधर पूछ रहा है कि 6 रोड लीड्स टू अ कंट्री, कंट्री को लीड्स कर रहे हैं, दे मे बी इंडिकेटेड बाय द लेटर्स एक्स वाई जेड, मैं लिख देता हूँ एक्स वाई जेड एंड डिजिट्स 1 2 3। व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म, कोई कंडीशंस आती है तूफान की, वाई इज ब्लॉक्ड, वाई ब्लॉक कब होगा, जब स्टॉर्म आएगा, तूफान आता है ठीक है। व्हेन देयर आर अ फ्लड्स, जब बाढ़ आ रही है, तो एक्स एंड 1 एंड 2 विल बी अफेक्टेड, तो
बार के टाइम पे एक्स होगा, फिर इसके बाद वन होगा, फिर इसके बाद टू होगा। ये कब होगा आपका? फ्लड के टाइम पे। कब होगा? फ्लड के। स्ट्रॉन्ग टाइम सिर्फ फाइव होगा। इसके बाद पूछ रहा है कि व्हेन रोड ए इज ब्लॉक्ड जेड इज आल्सो ब्लॉक्ड, मतलब कि जब रोड आपका ए ब्लॉक हो जा रहा है तो जेड भी क्या हो रहा है? ब्लॉक हो जा रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो फ्लड है उससे एक्स भी हो रहा है, जेड भी हो रहा है, वन एंड टू भी हो रहा है। तो फ्लड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, मतलब कि कौन कौन सी रोड ब्लॉक हो जा रही है? फ्लड बराबर एक्स हो रही है, जेड हो रहा है, वन एंड टू हो रहा है, राइट। जबकि स्टॉर्म से क्या हो रहा है आपका? अफेक्टेड दैट इज द वाई हो रहा है। तो बच क्या रहा है? एक्स वाई जेड तो हो ही गया, वन टू थ्री बच रहा है सिर्फ यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एट अ टाइम व्हेन देयर आर फ्लड एंड स्टॉर्म, अगर तूफान भी हो और बाढ़ भी आया हुआ हो तो विच रोड कैन बी यूज्ड, तो कौन सा रोड यूज किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर मतलब रोड नंबर थ्री, ये थर्ड यूज कर सकते हैं कि बाकी सारे तो अफेक्टेड हैं। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दैट इज द ए, मीन्स थर्ड नंबर का जो रूट होगा उसको आप फॉलो कर। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था ये, लेकिन जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे आपको करते जाना है, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। इन अ सर्टेन कोड दिल्ली इज रिटन एज सी सी आई डी डी, हाउ इज बॉम्बे रिटन इन दैट कोड। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया है, अब आपको पहले इसको लिखना पड़ेगा ए बी सी डी के फॉर्म में। तो यहाँ पे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, मतलब कि माइनस वन का रिलेशन यहाँ पे दिखाई सकता है। यहाँ पे ई है तो यहाँ पे सी है, तो ई से सी में क्या है? फिर माइनस टू का रिलेशन है, माइनस वन। फिर इसके बाद यहाँ पे एल है, यहाँ पे आई है, तो एल कहाँ पे है भैया? यहाँ पे है। और आई कहाँ पे है? तो एल से आई एक दो तीन, मतलब कि यहाँ पे माइनस थ्री का रिलेशन है, माइनस थ्री का रिलेशन है। फिर इसके बाद यहाँ पे एच है और यहाँ पे क्या है? डी है। तो एच और डी, तो एक दो तीन चार, माइनस फोर का रिलेशन है, राइट। और फिर इसके बाद आई है, आई 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 यहाँ है, आई से फिर यहाँ पे क्या है आपका? डी है, तो यहाँ पे माइनस फाइव का रिलेशन, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में माइनस का रिलेशन आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो पहले वाले के लिए माइनस वन होगा, दूसरे वाले के लिए माइनस टू होगा, तीसरे वाले के लिए माइनस थ्री होगा, चौथे वाले के लिए माइनस फोर होगा, पांचवें वाले के लिए माइनस सिक्स होगा और छठवें वाले के लिए माइनस सेवन होगा। यही रिलेशन आपको यहाँ पे दिखाना है, राइट। तो देखते हैं उस रिलेशन से क्या सीन बनेगा आपका, यहाँ पे क्या बन सकता है। सो बी के पहले क्या आएगा? माइनस वन में क्या आएगा? ए आएगा। तो ए कौन कौन से ऑप्शन में है? मतलब कि ये और ये तो वैसे ही कट गया है, सिर्फ बचा कौन? ये ओ के बाद माइनस टू, तो ओ कहाँ पे है भैया? ओ यहाँ पे है, तो एक और दो, जैसे यहाँ पे था कि माइनस टू का था, तो डी ई के बाद फिर सी था, तो मतलब एक और दो यहाँ पे गैपिंग थी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक एज यहाँ पे ई था, ई के बाद यहाँ पे क्या है? सी है, तो ई में और सी में क्या है? गैप है माइनस टू का, एक दो, एक दो दूसरे को सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका? ओ है, तो ओ एम एम, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। तो एम कहाँ पे भैया? एक बार एम, मतलब कि ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ये सही है, क्लियर है। एम है, एम के बाद फिर क्या आएगा? थर्ड 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 के बाद, तो एक दो तीन, तो जे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका? जे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या था? माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, इस तरीके से आपका चल रहा था इस क्वेश्चन में। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सब लग रहा है समाप्त हो गए। ओके, सो आपने यहाँ पे देखा कि बेसिकली आपके एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन के लिए, पेटेंट एंड डिज़ाइन के लिए जो भी प्रैक्टिस सीरीज कराई गई, उनमें आपने देखा कि बायोलॉजी के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके बाद आपने देखा जनरल साइंस के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, इसके बाद आपने यहाँ पे देखा रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आप इसमें से कर पा रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये तीन वीडियो मैंने आपको बना करके दिया आपके इस पेपर का सॉल्यूशंस
तो अगर आपने पेपर ही दिया है तो आप उसका आंसर की भी मिला लीजिए, और अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी और इससे आपके प्रिपरेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी पर फोकस करते रहिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर से ज़रूर उसको शेयर कीजिए।